प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, कारक की परफेक्ट समझ, मैंने आज का शीर्षक दिया है। तो देखिए, कारक प्रकरण के संदर्भ में आज के इस कालखंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी कारक के संबंध में जानते होंगे, किंतु बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कारक के संबंध में काफी संशय की स्थिति बनी रहती है और क्या होता है कारक, उसको वे भली भांति नहीं समझ पाते। देखिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको इस कालखंड में बताने वाला हूँ कि कारक क्या होता है और इसका अन्य शब्दों से क्या संबंध होता है, साथ ही वाक्य में इसकी महत्ता क्या है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर जानकारी लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको सहज शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, आप भलीभांति जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना? और जब वाक्य में इन्हीं संज्ञाओं के स्थान पर जो दूसरे शब्द आते हैं तो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम केवल संज्ञा सर्वनाम की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम हो गए। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ कि कारक क्या होता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तब इनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से, अर्थात अन्य शब्दों से होता है और विशेषकर क्रिया पद से इनका संबंध होता है। और जिस माध्यम से और जिस प्रकार से इनका संबंध क्रिया से सूचित होता है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि जब भी ये संज्ञा सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या वाक्य में जब ये आते हैं तब संबंध को सूचित करने के लिए या क्रिया से इनका क्या संबंध है इस बात को सूचित करने के लिए इनके अंत में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ने, को, से, के, लिए, का, रा, री, मे, पे, पर, ए, ओ, अरे, ए, जी, ओ, जी, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जोड़े जाते हैं। इन्हें हम प्रत्यय भी कह सकते हैं, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय। तो इन्हीं प्रत्ययों को हम दूसरे शब्दों में विभक्तियां कहते हैं, ठीक है? या इन्हीं को हम कहते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से ही कारक की पहचान होती है, अर्थात वाक्य में आई हुई क्रिया के प्रकार को हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह कारक का कौन सा प्रकार है, इसलिए इनको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है? इस बात को मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से और भी सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ दो उदाहरण मैंने लिखे हैं, पहला उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण ये है। तो पहला उदाहरण देखिए, उसने डंडे से कुत्ते को मारा। इस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम क्या है? यहाँ देखिए, उसने शब्द सर्वनाम है जो कि किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। फिर यहाँ देखिए, डंडे से, ये डंडा जो शब्द है एक संज्ञा शब्द है और कुत्ता या कुत्ते जो शब्द है यह भी एक संज्ञा शब्द है। तीन संज्ञा शब्द आए हैं और मारा क्या है? क्रिया है। तो इन तीनों संज्ञा या सर्वनामों का संबंध यहाँ पर क्रिया से किस तरह से है, कुछ बात को हम देखते हैं। देखिए, इस क्रिया को संपादित किसने किया, अर्थात पूरा किसने किया? उसने किया, ठीक है? इस क्रिया को करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर उसने कर्ता कारक होगा। यहाँ पर ने जो है ये एक प्रत्यय है या विभक्ति है जो कि उसके साथ में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार डंडे से, अब इस क्रिया को संपादित किया गया है किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा, ठीक है? परंतु इसको संपादित करने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ी और कौन सा साधन? डंडा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर डंडा के आगे एक प्रत्यय या जो विभक्ति क्या लगी? से, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? करण कारक, यानी इसके कारण कहना चाहिए जो क्रिया संपादित हो रही है। आगे देखिए, कुत्ते को, अब जो क्रिया है मारने की वो संपन्न हुई है, तो किस पर संपन्न हुई है? कुत्ते पर। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम जिसके ऊपर क्रिया घटित हो, ठीक है, अर्थात कर्म उसके ऊपर हो,
कर्ता के द्वारा मारने का कर्म किया जा रहा है, किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कर्म कारक। यहाँ पर को कुत्ते के आगे लगा हुआ प्रत्यय है या विभक्ति है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्म कारक। ठीक है, आपको कारक के बारे में समझ आई होगी कि यहाँ पर आप समझ गए भली भांति उसने, तो यहाँ ने के माध्यम समझ सकते हैं हम, ने के माध्यम से हम भली भांति समझते हैं कि यह एक कारक रूप में है यह संज्ञा। यहाँ पर डंडे से ये भी कारक रूप में है और कुत्ते को ये भी कारक रूप में है। तो जब भी ने से को, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर आपको ये बताया, जितनी विभक्तियां या कारक चिन्ह ये जब लग जाए किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद में, तो उसका कारक सुनिश्चित हो जाता है और इस माध्यम से उसका प्रकार भी बता सकते हैं। ठीक है, दूसरे उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, मंत्री जी ने हवाई जहाज से यात्रा की। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? मंत्री जी और दूसरी हवाई जहाज, और क्रिया क्या है? यात्रा करना या यात्रा की। तो यहाँ पर यात्रा की यह मुख्य रूप से क्रिया है। एक बात आपको बता दूं कि किसी भी वाक्य में सबसे प्रमुख पद क्या कौन सा होता है? सबसे प्रमुख पद या जो शब्द जिसे कहते हैं, आपको पद और शब्द के बारे में भली भांति जानकारी हो, आपको दो शब्दों में मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तब वहां वह शब्द नहीं रहता बल्कि पद होता है, और स्वतंत्र रूप से जब यही पद अकेला होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए कि यात्रा की एक क्रियापद है और क्रियापद जो है वो वाक्य में सर्वप्रमुख होता है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं लिखा जा सकता, या हम ये कह सकते हैं कि वाक्य तभी लिखना संभव है जब उसमें कोई क्रिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर यात्रा की क्या है? क्रिया है। अब इस यात्रा करना क्रिया को कौन संपन्न कर रहा है? मंत्री जी। अर्थात यात्रा कौन कर रहे हैं? मंत्री जी। अर्थात इस यात्रा करने वाली जो क्रिया है इसको करने वाला कर्ता कौन है? मंत्री जी। इसलिए मंत्री जी यहाँ पर कर्ता कारक होगा। ठीक है, दूसरी बात, हवाई जहाज से। अब यह यात्रा संपन्न करने के लिए साधन बताया जा रहा है हवाई जहाज से, तो यहाँ पर जो हवाई जहाज से यह भी कारक को सूचित कर रहा है, और ये कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। यानी किस साधन से किया जा रहा है? हवाई जहाज से। तो आप इन दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कि कर्ता के बाद में कोई ना कोई विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह लगा हुआ है, और इसके माध्यम से क्रिया के साथ में इनका एक संबंध सूचित हो रहा है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो कारक चिन्ह है या विभक्तियां हैं, ये विभक्तियां नहीं दी गई होती, वहां पर विभक्तियां छुपी रहती हैं। ठीक है, इसी संबंध में आप एक मैं वाक्य बता देता हूं। जैसे मैं यहां कहूं कि मोना ने गीत गाया। अब यहां पर देखिए, मोना गाने वाली है, यहां पर गाया या जो गाना है ये क्या है? ये क्रिया है, और इसको संपन्न करने वाली कौन है? मोना, इसलिए कर्ता कारक। अब यहां किसको संपन्न किया जा रहा है? गीत को। तो यहां पर को जो है विभक्ति वो छुपी हुई है, अदृश्य। ठीक है, ये तो यहां पर गीत को जो है वो छिपा हुआ है, और यहां पर ये गीत जो है वो कर्म कारक होगा। तो कभी कभी ये जो विभक्तियां वो छुपी भी रहती है। देखिए, इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात भी आपको बताता हूं कि जब भी किसी वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से उसका कारक पद होता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कारक रूप में प्रदर्शित नहीं हुई है किसी भी वाक्य में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि उपरोक्त वाक्य में, जैसे कि ये ने को से के लिए, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये क्या है? विभक्तियां हैं या कारक चिन्ह है। ठीक है, और इन्हीं विभक्तियों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम का संबंध निर्धारित होता है क्रिया से या अन्य शब्दों से। ठीक है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, आपको बता दिया। अगली बात यह है कि इस तरह संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जब कोई कारक चिन्ह या विभक्ति लग जाती है तब वो संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है? कारक पद कहलाता है या कारक पद होता है। ठीक है, और इस समय यानी कुमला के हम कह सकते हैं कि विभक्ति या कारक चिन्ह लगने के बाद में वो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त हो जाने लायक बन जाती है। बिना कारक चिन्ह लगाए या बिना विभक्ति के किसी भी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग हम वाक्य में नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कहीं कहीं जो कारक चिन्ह या विभक्ति वो छुपी रहती है, वो बात अलग है,
परंतु बिना विभक्ति या कारक चिन्ह के संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बहुत संक्षिप्त में मैं आप लोगों को कारक के प्रकारों के बारे में बता देता हूं। तो देखिए कारक के 8 प्रकार हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में इन उदाहरणों में बता दिया है, इसके अलावा भी होते हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों उदाहरणों में बताया कि जो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, ये दोनों क्रिया देख रहे हैं मारा और यहाँ पे यात्रा की, इनको संपन्न करने वाला जो भी संज्ञा सर्वनाम हो वह कर्ता कारक पे होती है या वह कर्ता कारक पद उनका होता है। और इसका कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है? ने होता है। कई बार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है वो अदृश्य या छुपी हुई रहती है। जैसे एक वाक्य में बोलूं कि राम दिल्ली गया, ठीक है, तो यहाँ राम ने दिल्ली गया नहीं है, ने छुपा हुआ है, राम दिल्ली गया, ठीक है, अर्थात जाने का काम किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ पर ने विभक्ति छिपी हुई है, कई बार ऐसा होता है। ठीक, दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक अर्थात जो क्रिया है वो जिसके ऊपर घटती है वो कर्म कारक में होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है या कारक चिन्ह क्या है? को है। अब यहाँ पर देखिए कुत्ते को है ना जाया है, तो यहाँ कर्म कारक में होगा। तीसरा प्रकार है करण कारक। देखिए करण कारक, अभी वाक्य में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, जब कर्ता के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है और जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मारने की क्रिया डंडे से संपन्न हो रही थी, इसलिए यहाँ पर डंडे से ये करण कारक में होगा। ठीक, और इसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या है? से है, आपको याद रखना है। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। नाम से स्पष्ट है संप्रदान अर्थात किसी को कोई चीज प्रदान करना या देना, और इसका कारक चिन्ह क्या है? को के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि राम ने हरि को गेंद दी, तो हरि को गेंद देने का काम हो रहा है, किसको? हरि को, तो हरि को यहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक में होगा। या मैं ये कहूं कि बाबू जी ने मेरे लिए कपड़े खरीदे, तो मेरे और लिए यहां पर देखिए ले लिए ये आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? ये संप्रदान कारक होगा जब किसी के लिए कोई काम किया जाता है या किसी कोई वस्तु प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला प्रकार है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है कि जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से अलग होती है या अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक होता है, और इसका विभक्ति क्या है? से है, या कारक चिन्ह क्या है? से है। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से मैं बता देता हूं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब यहां पर पेड़ से यहाँ प्रारंभ में ही आ गया पेड़ से, तो ये क्या होगा? अपादान कारक होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता कर्ता कारक हो गया और पेड़ से ये अपादान कारक हो गया। या मैं ये कहूंगी रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से यहाँ पे क्या हो गया? अपादान कारक में होगा। ठीक है, अगला प्रकार क्या है? संबंध कारक। देखिए जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित होता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, या यह मेरा पेन है, तो मेरा मेरी मेरे, तो यहां जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रा रे री, ठीक है, ये आया तो रा रे री, जब ये किसी सर्वनाम के बाद में आता है तब यहां पर संबंध कारक सूचित होता है। या इसको और भी उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं, जैसे यह राम की पुस्तक है, राम की है ना, पुस्तक का संबंध राम से पता जा रहा है। ठीक है, हमें कहते हैं कि यह मोहन की जगह है या मोहन का स्थान है, तो का के की के माध्यम से या रा रे री के माध्यम से एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जब प्रकट होता है तब वह संबंध कारक में होता है या नाम से स्पष्ट है। और इसकी जो विभक्ति है वह है का के की रा रे री। ठीक है, सातवां प्रकार है अधिकरण कारक, और इसका कारक चिन्ह या विभक्ति क्या है? मे पे पा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के लिए आधार का कार्य करती है, आधार अर्थात वो उसमें अवस्थित होती है या उस पर टिकी होती है, ऐसी स्थिति में हम अधिकरण कार्य के रूप में ऐसी संज्ञा को मानते हैं। जैसे पुस्तक टेबल पर रखी है, अब पुस्तक किस पर आधारित है? टेबल पर, तो टेबल पर जो है ये अधिकरण कारक में होगा। या दूध गिलास में रखा है ना, दूध किस में है? गिलास में, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। कारक के प्रकारों में हम अंतिम प्रकार देखते हैं, वह है संबोधन कारक। ठीक है, नाम से स्पष्ट है संबोधन कारक।
जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित किया जाता है तब वे संज्ञा सर्वनाम संबोधन कारक में होते हैं। और संबोधन कारक के लिए हम हे, ओ, अरे, रे, एजी, ओजी जैसी विभक्तियों का या कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में वे संज्ञा सर्वनाम संबोधन कारक में होती है। उदाहरण के लिए ए राम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अजी सुनिए तो, अरे श्रीमान जी तुम उधर कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार अरे, रे, एजी, ओजी इनका प्रयोग करके हम किसी संज्ञा सर्वनाम को संबोधित करते हैं तब वहां पर ये संबोधन कारक में होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को कारक के संबंध में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको आज की जानकारी काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।